हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और डेली सुबह की तरह इस सुबह भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत के शब्दार्थ। अभी आपके लिए यूज़फुल शायद आपको ना लगे, लेकिन आगे चल के डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आपको संस्कृत के गद्यांश सॉल्व करने होंगे, संस्कृत में पैडागॉजी सॉल्व करनी है आगे जो आपके एग्जाम्स होंगे उनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देख लेते हैं, पहला वर्ड आज का है केन्स्वित। ठीक है, केन्स्वित मतलब होता है किसके द्वारा, क्योंकि आप किसी गद्यांश में सारे वर्ड्स इस टाइप के पढ़ेंगे ना, तो इसी रूप में ही मिलेंगे आपको। विंदते, विंदते मीन्स प्राप्त करता है। श्रुतेन मतलब वेद से, तो सुनने का मत समझिएगा, श्रुतेन मतलब वेद से। श्रोत्रिय मीन्स होता है वेदों का विद्वान, जिसको वेदों का ज्ञाता आप कह सकते हैं। धृत्या, धृत्या मीन्स धैर्य से। गुरुतम बढ़कर, यानी किसी से बढ़कर। उच्चतरम ऊंचा, उच्चतरम ऊंचा। अगला वर्ड है आपका खात। खात मीन्स होता है आकाश से। देखिए, अगर आपने नहीं ये देखा तो आप कहीं भी खात लिखा रहेगा तो बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे कि इसका मतलब आकाश हो सकता है, इसलिए ही मैं आपको डेली वर्ड्स प्रोवाइड करा रही हूँ। बहुतरम मीन्स बहुतायत। द्राक्षम, द्राक्षम मीन्स होता है, वैसे तो द्राक्षा मीन्स आपको पता है अंगूर होता है, बट अगर ऐसे लिखा है द्राक्षम कहीं पर तो इसका मतलब कुशलता या चतुराई भी होता है। श्रेय मीन्स कल्याण, श्रेय कल्याण। प्रोक्तम मतलब कहा गया, प्रोक्तम कहा गया। नेक्स्ट है आपका दमह। दमह मीन्स होता है दमन, और श्री जो होता है उसका मतलब होता है लज्जा। ठीक है, तो ये आपका ह लिख के, मतलब इस टाइप से आपका ह लिख के उसमें ऐसे ये इस टाइप से लगाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लज्जा। फिर है आपका द्वंद्व सहिष्णुत्वम। द्वंद्व सहिष्णुतम मतलब होता है सुख दुख लाभ हानि, इस तरह से। यानी द्वंद्व मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट टाइप में हो और दोनों की बराबर मतलब वैल्यू हो, दोनों ही प्रधान हो दोनों पद। अकार्य निवर्तनम, अकार्य निवर्तनम मतलब होता है न करने योग्य कार्य, ऐसा काम जो करना नहीं चाहिए। इसके साथ ही हम और देख लेते हैं आज का ईदृश। ईदृश मतलब ऐसा। कियंतः मतलब होता है कितने। काम्ये मीन्स चाहते हैं। ठीक है, काम्ये चाहते हैं। पुनर्भवम, पुनर्भवम लिखा है तो इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती, आरती का अगर आपने नहीं पढ़ा आप गेस नहीं कर पाएंगे, आरती का मीन्स दुख होता है, आरती दुख। परिपूतः, परिपूतः मीन्स पवित्र हुआ। स्फुटितम अंकुरित हुआ। इसके बाद फिर देख लेंगे अपूर्वम, अपूर्वम मीन्स जो पूर्व में ना हुआ हो। प्रतिष्ठिता मतलब स्थापित हुए, और व्यतीतम मतलब बिताया। व्यतीत ये तो इजी है। प्राप्तवान मीन्स होता है प्राप्त किया। तो ये आज के कुछ वर्ड्स थे जो मुझे लगता है आपको पसंद आए होंगे, आज की वर्ड मीनिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।